व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर जो कि रुकना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्सएप पेमेंट के ऊपर। व्हाट्सएप पेमेंट दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो इन नेचुरल में मैं आपको बता देता हूं कि एक तरीके का फीचर है जो व्हाट्सएप की तरफ से दिया गया है, जिसमें आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मतलब मनी सेंड कर सकते हो कोई भी दूसरे व्हाट्सएप यूजर को। यहां पर गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि व्हाट्सएप की तरफ से ये जो फीचर है ये सबको नहीं दिया गया है, सिर्फ कुछ ही लोगों को जो है ना दोस्तों ये फीचर दिया गया है, कुछ ही अकाउंट्स को दिया गया है। और अगर आप जाओगे यूट्यूब के ऊपर और वहां पर जब आप टाइप करोगे इनेबल व्हाट्सएप पेमेंट्स, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो भाई इस बात की गारंटी आपको देंगे कि आपको 100% जो है ना वो व्हाट्सएप पेमेंट्स का फीचर मिल जाएगा। और वहां पर दोस्तों बेसिकली होगा क्या, बाद में आपको बताया जाएगा कि आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या तो आप एक अनट्रस्टेड वेबसाइट पर चले जाओ। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर देता हूं कि ये जितने भी मेथड्स है ना ये सब अनऑफिशियल मेथड्स हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि जब कंपनी की तरफ से ऑफिशियली आपको एक फीचर नहीं मिला है तो ऑब्वियसली वो एक अनऑफिशियल मेथड ही हो जाता है। एक चीज देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि NCPI की तरफ से, मतलब नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से व्हाट्सएप को गाइडलाइंस दी गई है। वो गाइडलाइंस ये है कि आप सिर्फ 20 मिलियन यूजर्स को ही अभी के लिए ये फीचर्स का एक्सेस दे सकते हो। अब व्हाट्सएप के टोटल कितने यूजर्स हैं इंडिया में, ऐसा रिकॉर्ड किया गया दोस्तों के 200 मिलियन लाइव यूजर्स है व्हाट्सएप के इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 20 मिलियन यूजर्स को ही ये फीचर यूज करने की परमिशन दी गई है NCPI की तरफ से। अब यहां पर गाइस NCPI की तरफ से ये परमिशन इसलिए दी गई है क्योंकि NCPI जो है ना दोस्तों वो मेक श्योर करती है सारी एप्लीकेशंस के लिए कि एक महीने में टोटल 30% से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन एक्सीड नहीं होने चाहिए। अब व्हाट्सएप क्या है दोस्तों, वो इस फील्ड में नया है, मतलब व्हाट्सएप पेमेंट्स टाइप की फील्ड में, तो इसलिए गाइस व्हाट्सएप को जो है ना NCPI की तरफ से ये गाइडलाइन दी गई है। अब यहां पर गाइस अगर NCPI की तरफ से आगे इस नंबर को बढ़ाया जाएगा, अगर मान लो 20 बिलियन से और ज्यादा कर दिया जाए, तो हो सकता है कि आपको या मुझे भी जो है ना व्हाट्सएप का ये फीचर मिल जाए। अब यहां पर गाइस देखिए, मान लीजिए अगर आपने इस फीचर को इनेबल कर भी लिया, जब आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करते हो या तो आप कोई भी अनट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर जाती हो, तो वहां पर बैकग्राउंड में गाइस क्या चीज रन हो जाती है आपके फोन में या आपके लैपटॉप में जो भी है, तो आप जो है ना दोस्तों इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो यहां पर बहुत बड़ा रिस्क है। और यहां पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे जो हमारा फोन है ना वो एक तरीके की पर्सनल लाइफ है, क्योंकि उसमें आपके पासवर्ड्स रहते हैं, उसमें आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स रहती है, इनफैक्ट उसमें आपके दूसरे एप्लीकेशंस रहते हैं जहां पर पूरा बैंकिंग से जो है ना रिलेटेड रहता है सब चीज, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं गाइस। तो इसीलिए गाइस मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि ये सब अनऑफिशियल चीजों के चक्कर में मत पड़िए, आप ऑफिशियली वेट कीजिए, आपको ऑब्वियसली बाद में व्हाट्सएप की तरफ से पता लग जाएगा कि ये फीचर अवेलेबल है कि नहीं है, और उसके बाद में ऑब्वियसली आप इसको फिर यूज़ भी कर सकते हो, कंपेयरिंग टू इसके कि आप अपनी क्रूशल डिटेल्स जो है ना वो कोई दूसरे हैकिंग सर्वर के ऊपर सेंड कर दो। हाँ, वो बात अलग है कि किसी के पास में ऑफिशियली व्हाट्सएप ने इस फीचर को इनेबल करके रखा है, तो अगर कोई अकाउंट है जहां पर व्हाट्सएप ने ऑफिशियली इसको इनेबल करके रखा है, तो ऑब्वियसली वो बंदा जो है ना आराम से इस फीचर को यूज़ कर सकता है। और यहां पर दोस्तों कोई कोई इंसिडेंट पे ये बात भी पता लगी है कि अगर किसी के पास में ये फीचर अवेलेबल है व्हाट्सएप की तरफ से और अगर वो किसी दूसरे को सेंड करता है मैसेज या कुछ भी व्हाट्सएप पेमेंट के ऑप्शन को इनेबल करके, तो सामने वाले को भी ये प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आप भी व्हाट्सएप पेमेंट इनेबल करो। अब यहां पर गाइस कुछ क्वेश्चंस होंगे शायद उन लोगों के जिनके पास में ये फीचर अवेलेबल है। सबसे पहली चीज तो उनके पास में क्वेश्चन होगा कि भाई KYC की इसमें जरूरत है क्या, तो गाइस यहां पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर आपके पास में ऑफिशियली ये फीचर अवेलेबल है तो आपको KYC की कोई जरूरत नहीं है। KYC जो है ना दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ वॉलेट्स के लिए होती है, जैसे कि फोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, गूगल पे वॉलेट, तो जो वॉलेट्स होते हैं उनके पास में जो है ना दोस्तों वो KYC की जरूरत होती है। यहाँ पर ये वॉलेट नहीं है, ये तो सिर्फ एक मेथड है पेमेंट सेंड करने के लिए, तो यहां पर दोस्तों आपको KYC की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सोच के आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कर लेना। तो गाइस यहां पर देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करिए कि आप भाई इन सब चीजों मत पड़ो, आपके अकाउंट के लिए रिस्क है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई आपके लिए सब कुछ प्रॉपर है, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन दोनों ही केस में आप प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे भी रखिए, क्योंकि आगे हम इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। यहां पर गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करना है तो प्लीज शेयर करना तो भूलना ही मत। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।